अगर आप पानी नहीं पीते तो शरीर में क्या होगा, कभी सोचा है? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप पानी नहीं पीते तो आपके शरीर में क्या हो सकता है। अक्सर लोग अपना ध्यान नहीं रखते और समय समय पर पानी नहीं पी पाते, कई कारणों की वजह से ज्यादा लाइफ में बिजी रहते हैं। इस वजह से कई वजह है, पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप पानी ही ना पिए तो शरीर में क्या होगा। इसका असर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 75% पानी होता है, पानी जिसको H2O कहते हैं, जो हमारी हड्डियों के बीच के जॉइंट को मजबूत करने में मदद करता है, हमारे बॉडी के तापमान को मेंटेन करता है और हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को पोषण देने का काम करता है। पानी सिर्फ हमारे खून में नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क और हृदय में लगभग 3/4 पानी होता है। यह सबको देखकर लगता है कि हमारा पूरा शरीर ही पानी से बना है। पानी के बिना हम कुछ भी नहीं। पानी हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है। हर दिन हम अपने पसीने, मूत्र और मल त्याग के माध्यम से और यहाँ तक कि केवल सांस लेने से भी 2 से 3 लीटर खो देते हैं, जबकि ये कार्य हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमारी बॉडी में पानी होना आवश्यक है। यह दोनों चीजें ही हमारी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो आपको चक्कर आने लगेगा। पानी के कमी के कारण आपकी हड्डियां सिकुड़ने लगेंगे, आपका दिमाग धीमा हो जाएगा, आपका फिर चलना बंद हो जाएगा, आपकी कोशिकाएं भी सूख जाएंगी। एक दिन में कम से कम आपको 8 गिलास पानी तो जरूर पीना चाहिए। पानी पीना हमारे लिए बहुत जरूरी, इसके बिना हम नहीं रह सकते। चौधरी की रे और यहाँ तक कि ब्रोकली जैसे फल और सब्जियों में 90% से अधिक पानी है और यह पोषक तत्व और फाइबर प्रदान करता है। समय समय पर जब मौका मिले पानी पीते रहे। बॉडी में पानी होना जरूरी है। इससे आपको दिन प्रतिदिन कैसे कार्य करते हैं, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।